इलेक्शन का आज बड़े मुतजाद से बयान आए हैं। मुतजाद इस तरह ये हैं कि शहरी रहमान ने कल हमारे प्रोग्राम के लिए जो रिकॉर्डिंग करवाई थी उसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि उनकी अपनी ज़ाती ओपिनियन थी, पार्टी की तरफ से वो नहीं था। उन्होंने कहा जी होने चाहिए, जो है टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। तो ये क्योंकि वो एक उनका माजी रहा है स्ट्रगल का, जमहूरियत का, तो अच्छी बात की उन्होंने। और आज रज़ा रब्बानी ने भी आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ कि ये नहीं होना चाहिए और जमहूरियत की बातें की, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सिग्नल आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी ही एक पट्टी पे चल रहे हैं कि उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट फैसला करेगी। बाय द वे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, मैं उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या हर चीज़ जो है ना आइन वगैरह। अब तो ये इशू बन गया है कि आइन कोई चीज़ नहीं, पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट आइन से ऊपर नहीं है, ना जुडिशरी आइन से ऊपर है, और जुडिशरी का हर एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। हमारा दस्तूर यही कहता है कि पार्लियामेंट के अपने फ़राइज़ हैं, इंतज़ामिया के अपने हैं और जुडिशरी के अपने हैं, मगर यहाँ वो कह रही पार्लियामेंट फैसला करेगी। गलत सही छोड़ दे, इस पर तो बहस नहीं करती। मरियम औरंगज़ेब ने आज ये उनका बयान ये है कि अगस्त में जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो नुगरान हुकूमत आ जाएगी। अब वो क्योंकि हुकूमत की तर्जुमान हैं तो इसलिए उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, उसको आप अहमियत देंगे कि वो हुकूमत का बयान है कि वो तर्जुमान हैं। तो मगर उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया कि जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि निगरान हुकूमत, उन्होंने कहा निगरान हुकूमत आ जाएगी अगस्त में, 13 अगस्त को गलबन जो है ये मौजूदा हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो कि निगरान हुकूमत वो चलेगी कितना अरसा, जिस तरह पंजाब में और केपी में 5-5, 6-6 माह होने जा रहे हैं आइनी मुद्दत से ज़्यादा। आइनी मुद्दत तो कब की ख़त्म हो गई, वो तो भूल भी गया है। बचपन में वो आए थे कहीं, मुझसे नकवी साहब चलते आ रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, और वो हस्पतालों की पट्टियाँ काट रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। तो निगरान हुकूमत का काम सिर्फ स्वाइस के इलेक्शन कराना और उसको मॉनिटर करने के अलावा नहीं था। वो मगर वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह हम कोई नॉर्मल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं। तो निगरान हुकूमत भी अब राजा रियाज की मर्ज़ी और शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से आएगा तो वो मेरे ख्याल मोहसिन नकवी प्लस आएगा। अच्छा। और जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो उनको सुन के इंसान का दिल दहल कर जाता है। ठीक है, वो एक ख़ास पार्टियों के तो मफाद पूरे कर देंगे, वो मैं नहीं समझता वो मुल्क के लिए अच्छे हैं या किसी लिहाज से भी अच्छे हैं। कोई अखलाकी तौर पे भी उनका कोई इतना वज़न नहीं है। अल्लाह करे कि जब नाम आएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे, मगर अभी जो नाम गर्दिश में कर रहे हैं वो देख के बड़ा डर जाता है कि यार ये किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो अभी ये इसका ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ हवा में है, सब कुछ हवा में है। अच्छा मुझे ये बताइए आमिर साहब, कहीं पर भी किसी भी जगह पर या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं या हम सियासी इंतकाम की बात करते हैं, वो कहाँ पर जाकर रुकता है? परवेज़ इलाही साहब 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और जो उनकी हालत है, जिस किस्म के तरीके से, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें रखा जा रहा है, क्या ये किसी जमहूरी मुल्क के अंदर ये ज़ेबा देता है कि इस किस्म के रिवेंज लिए जाएँ, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा बने, लेकिन ये क्या तरीकेकार है? परवेज़ इलाही साहब का आपको पता है बहुत अरसे से नाकिद रहा हूँ, मगर ये तस्वीर देख के जो है ना बड़ी तकलीफ होती है। 10 दिन से कपड़े नहीं उन्होंने तब्दील किए, उन्हें कपड़े नहीं मिले। उनका ये बयान, ये जो उन्होंने आज साफियों से बातचीत की हुई है, और लोग यहाँ पे ज्यादा तकलीफ दे बात ये कि मजाक उड़ा रहे हैं कि जी इन्होंने, क्योंकि इनकी बाजू टूटी थी, वो एक वो उस वक्त बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जी इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, कि जी ये एक्टिंग कर रहे हैं, किसी की तकलीफ़ का इनके चेहरे के ऊपर तकलीफ लिखी हुई है। और उन्होंने जो बयान किया अपनी तकलीफ़ को कि जी मुझे जिस सेल में रखा गया है उसमें टांगें भी सीधी नहीं होती, टांगें टेढ़ी करके सेल में रहना पड़ता है। उन्होंने जी मैं 10 दिन से एक ही शलवार पहनी हुई है और दवाई ना ही डॉक्टर की सहूलत मौजूद है, मुझे वो दिल के मरीज़ हैं, मुझे अद्वियात तक नहीं दी जा रही और कार्डियोलॉजी के टेस्ट भी ख़राब आए हैं। हालांकि मैंने किसी से बुरा सलूक नहीं किया था और ये बात सही है,
अपने दुश्मन के साथ भी ये बुरा सलूक नहीं किया था, और ये इनका मशहूर है चौधरी शुजात भी जब इंटीरियर मिनिस्टर थे जो पीपल्स पार्टी के, मुझे ये नाहिद खान ने बताया हुआ है कि उनके साथ बुरा सलूक खास ऑर्डर थे कि बदतमीजी कोई नहीं करेगा। तो इन्होंने इनका एक रविश रही हुई है उसमें, सियासत में बहुत सफाकी की हुई है, गिरफ्तारी हुई हुई है, मगर ये पर्सनल लेवल पर जो है ना किसी की मौत के ऊपर खुशी करना वो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी जो है मुझे मेरे खानदान से नहीं मिलवाया जा रहा, और उनसे फिर पूछा गया सियासी सवाल भी के जना प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अल मशहूर जो जादुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जाती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कब कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे तो बात नहीं करने दे रहे, तो तहरीक इंसाफ से भी बात नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर वो बातें कर रहे हैं जो विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, इधर भी खेल रहे हैं उधर कर रहे हैं। सो मेरे साथ जो हो रहा है वो हालात हैं और जो केस है वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इसीलिए है ना हूँ तो मुझे इसका छोड़ दिया जाए। हमेशा मुफाहमत की बात की है, इन्होंने हमेशा से पायदार ताल्लुकात के ऊपर बात की है। एनी हो चेयरमैन नादरा उनसे इस्तीफा लिया गया है या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है? नहीं, उन्होंने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक जो है ना इनका एक बहुत बड़ा माजी रहा है, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड यूनाइटेड नेशंस के, यूएनडीपी के, वर्ल्ड बैंक के, पाकिस्तान के उन चंद अफराद में से हैं जिनके ऊपर हम बहुत फख्र करते हैं, जिन्होंने अपना दुनिया में नाम बनाया है। हम सारी ही चीज़ों में तकरीबन जो है पूरी दुनिया से पीछे हैं, मगर डिजिटली हम बहुत कई चीज़ों में कई मुल्कों से, इवन जो मगरबी मुल्क हैं उनसे भी आगे रहे हैं, और उसमें इनकी बहुत ज़्यादा काबिश रही है। नादरा का जो हमारा निज़ाम है वो कई मुल्कों ने हमारे से इम्पोर्ट किया है, इनको बुलाया है। तो ये इनके साथ पहले पिछली दफ़ा भी ये सलूक हुआ था कि इनको इस तरह से ही जाने पर मजबूर कर दिया था, तो पिछली दफ़ा तो गालिबन शायद निकाल दिया गया था। तो अब उसके बाद ये फिर जाहिर है क्योंकि ये प्रोफेशनल आदमी हैं तो इनको फ़ौरन नौकरियां मिल जाती हैं, तो मिल गई थी। तो अभी जो है इनका ये मैं जो रेजिग्नेशन लेटर है वो पढ़ के बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनके साथ आप पार्टीजन पॉलिटिक्स में, हमारी जो पोलराइज पॉलिटिक्स है, इतनी ज़्यादा नफरत अंगेज पॉलिटिक्स है, उसके अंदर एक दूसरे के साथ तो ये एक सिलसिला है पुराना है चलता रहता है, पर जो लोग एकेडमिक्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए इस तरीके से नहीं सलूक करना चाहिए। तो बड़ी तकलीफ हुई उनकी पढ़ के। उनके जी मुझे ये इस दफ़ा जब मैं आया हूँ तो वो एक बड़ा इम्तहान देख के आया, किसी की सिफारिश पर नहीं आया था, 100 के करीब जो है एप्लीकेंट्स थे, और मैं उस वक्त चीफ टेक्निकल एडवाइज़र था यूनाइटेड यूएनडीपी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर था, और मैं जो है यूएनडीपी के तकरीबन तमाम मुल्कों को डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर समझा रहा था, गाइड कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डिजिटल उसके पढ़ा रहा था। तो मैंने तकरीबन, उन्होंने कहा जी यहाँ पे मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ रहा है, उसकी वजूहत उन्होंने कहा जी मुझे सियासी इंटरफेरेंस की जा रही है उसकी वजह से है, और उन्होंने बताया कि मैंने कोई यहाँ पे 45, और सही बात है कि नादरा को उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है, पाकिस्तान का नादरा का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उन्होंने कहा 45 के करीब प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स मेरे थे जिसमें एक ये जो आपका ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये इन्होंने मुतारिफ कराया था, उसके बाद जो है इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम जो है जब आप गाड़ी देखने जाते हैं या ज़मीन व जायदाद ख़रीदते हैं उसके अंदर ये वाला ये फ्रॉड बेताशा होता था, उसके बाद जो है इसकी वजह से आप देखें हमारे यहाँ ये विरासत के केसेस के अंदर 30-40% केसेस ख़त्म हो गए हैं कि यही नहीं पता चल रहा था कि ये आदमी वो है जिसकी ज़मीन है या नहीं है। अभी आप फ़ोन लेने जाएं, जायदाद ख़रीदने जाएं, कुछ भी करने जाएं, गाड़ी बेचने जाएं, एक उंगली बायोमेट्रिक करनी होती है और आप करिए, वो सारे इनके इनिशिएटिव है, बड़ी लंबी चौड़ी इनिशिएटिव है।